राजा जी क्या कहना चाहें, काजल जी के साथ पहली बार आपने स्क्रीन शेयर किया कई दिनों से। हाँ ये अच्छा कर, राजा जी तो निःशब्द हो गए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और हम लोग फर्स्ट बार काम किए तो ऐसा लगा नहीं कि हम लोग अभी फर्स्ट बार काम कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, तो आई होप कि आप सबों का प्यार और आशीर्वाद मिले ताकि हम लोग रेगुलर और लगातार काम करते रहें साथ में। कितना एक्साइटेड थे कि काजल जी के साथ आप स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, और अब कितना एक्साइटेड काम करते हैं? नहीं, वो शुरू में तो थे, ये डेफिनेटली थे, लेकिन अभी 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 बहुत अच्छा। और हम लोग ये फिल्म जो है बहुत अच्छे से हम लोग शूट कर चुके हैं, मोस्टली फाइनल हो ही चुका है, दो तीन दिन या चार दिन का कुछ शेड्यूल बचा हुआ है, तो अच्छा है। और अनुभव हम लोगों का, हमारा पर्सनली बहुत अच्छा है, अंकुश का तो अंकुश से पूछ लीजिए। यस, बहुत शाई पर्सन है। नहीं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। सबसे पहले हम दोनों भाई और काजल जी की तरफ से भी हम सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहते हैं, और आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आप सब आशीर्वाद दें, तुम मेरी मोहब्बत है जो फिल्म बा, बहुत ही अच्छा फिल्म बन रहा बाटे, और हमने के लगभग लास्ट स्थिति में ही बानी जा, सारा शूट हो गई बा, चार दिन के शूट बचल बा, लगभग सारे सॉन्ग्स भी हो गए हैं शूट, दो तीन सॉन्ग्स भी बचे हैं अभी। और काजल जी कमाल के एक्ट्रेस हैं, और काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे हैं हम दोनों भाइयों को, और अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि कौन अलग हो गया, हेजिटेशन है इसको, थोड़ा सा हेजिटेशन है क्योंकि ये फर्स्ट बार काम कर रहा है, और ये थोड़ा सा डरा सहमा है। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, ये पहले दो चार कर चुके मेरे साथ, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। मोहब्बत दोनों लोगों से हुआ है, हम लोगों को हुआ है। मुझे मेरा वाला, मैं बता सकती हूँ, मैं किसी एक की हूँ फिल्म में, लेकिन वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। देखने के बाद ही पता चलेगा। हम दोनों लोग मोहब्बत करते हैं ये हम बता दिए, ये कंफर्म है। पर्सनल लाइफ में ये दोनों किसी और से मोहब्बत करते हैं। आपको कैसे पता ये बात? कौन है, खोजा जाए यार मीडिया के सामने। मैं खोजने वाली हूँ। एक भाभी है ऐसे। अरे मतलब राजा भैया के एक भाभी है। अरे आप तो गलत ले रही है मेरी बातों को, तो उनको ढूंढ करके सामने लाया जाएगा बहुत जल्द। लेकिन पापा के मंजूर नहीं थे शादी, कैसे कि तिलक लोग कम देता नू, पापा के पता चल गया होगा। हाँ, तिलक दहेज कम मिल रहा है, वैसे पापा तो तिलक लेते नहीं है, लेकिन हमको चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कुछ। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, और हमारे जो डायरेक्टर है सूरज शाह जी, जिन्होंने दीवानापन भी की थी हमारी, और ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, और इसमें भरपूर रोमांस एक्शन है, जो कि लिमिटेड है, जितना ज़रूरत है उतना है, और फुल टू एंटरटेनिंग है। सॉन्ग्स बहुत प्यारे हैं, और हमारे ये जो दो महान हमारे हस्ती हैं अभी मेरे साथ, ये बहुत ही प्यारे सिंगर्स हैं, और आप सबने उनको बहुत प्यार दिया है, और ऐसे ही और भी देते रहे। और इस मूवी में भी इन्होंने, मतलब जैसे भौकाल मचाया हुआ है इंडस्ट्री में इन्होंने अपने सिंगिंग को लेके, अपने सॉन्ग्स को लेके, वैसे ही इस मूवी के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे बने हैं, तो आप लोग सुनेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस मूवी में हम लोग इनके साथ काम किए और बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिए। म्यूजिक का काम अगर बात किया जाए म्यूजिक, तो हमारे बड़े भैया अविनाश झा घुंगरू जी बहुत ही अच्छे वर्क किए हैं, लिरिक्स लिखे हैं, बड़े भैया बोस रामपुरी जी, रजनी रंगीला जी, गर्दा श्रियाडी जी, और अजय बच्चन जी, तो बहुत ही कमाल के लिरिक्स भी है, और म्यूजिक का कहना ही नहीं, कंपोजिशन का कहना ही नहीं है। आप लोग सुनेंगे तो ज़रूर अच्छा लगेगा, और थैंक्स सूरज सर और मास्टर
जी हमारे कानू मास्टर जी जो कि हमारा भी शूट करवा रहे हैं और हमारे सॉन्ग्स जो कोरियोग्राफ कर रहे हैं और yes, तो मतलब कातिलाना है उनको तो हम लोग भी मतलब हम लोग भी उनको मतलब नहीं सेम कर पाते हम उनकी तरह हम भी नहीं कर पाते हैं बट हम ट्राई करते हैं देख ही लगता है कि ओ माय गॉड देखते ही रहे सो बस हम बस यही प्रे करते हैं दुआ करते हैं कि आप हमारी मूवी को अपना प्यार दे आशीर्वाद दे और हम लोग को नए पैर के साथ हम दोनों हम लोगों को तीनों को आप पसंद करें